नमस्कार सत्येत्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। छानबे में गड्ढे में डूबने से दो भाइयों की मौत, मचा कोहराम। मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल थाना अंतर्गत ग्राम सभा सिंधुरिया में घर के पास बने गड्ढे में डूबने से दो बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों बच्चे वैभव सिंह उम्र 7 वर्ष और प्रत्यक्ष सिंह उर्फ देव सिंह उम्र 8 वर्ष घर के पास गेंद खेल रहे थे। माना जा रहा है कि खेलते खेलते गेंद पानी में चला गया होगा, जिसे निकालने के लिए पानी में गए होंगे और डूब गए होंगे। पानी में डूबने से वैभव सिंह पुत्र विकास सिंह निवासी सिंधुरिया और प्रत्यक्ष सिंह उर्फ देव सिंह पुत्र स्वर्गीय प्रदीप कुमार सिंह निवासी नंदनी की मौत से पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। वैभव कक्षा 2 और प्रत्यक्ष कक्षा 3 में पास ही के एक निजी विद्यालय में पढ़ता था। आपको बता दें कि प्रत्यक्ष सिंह के माता पिता 3 वर्ष पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तभी से प्रत्यक्ष सिंह अपने बुआ के घर रहकर पढ़ने लगा। वैभव के पिता कहीं से घर पर आए तो बच्चे नहीं दिखाई दिए। काफी खोजबीन के बाद गड्ढे के पास बच्चों के चप्पल दिखाई दिए। पानी में उतरकर देखा तो बच्चों के शव मिले। तत्काल पॉपुलर हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सुबह वैभव सिंह और प्रत्यक्ष सिंह और वैभव के माता पिता विजयपुर शीतला माता मंदिर का दर्शन करने गए थे। हृदय विदारक घटना से परिजनों में और पूरे गाँव में कोहराम मचा हुआ है। प्रत्यक्ष सिंह के दादा जिलेदार सिंह और दादी अपने नाती को लेकर अपने घर जाने लगे तो हर किसी के आंखों में आंसू आ गए। सत्येत्र न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास खबर। धन्यवाद।